हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो लाई हूँ ना वो ब्लॉग है और ना वो कोई हॉल है, वो एक ऐसे इंसान के बात मैं आज आप लोगों से करने जा रही हूँ जिसको यूट्यूब पे बच्चा बच्चा जानता होगा। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ राजवीर भाई की, राजवीर चौधरी की। उनको मुझे उनके बारे में कुछ सैड न्यूज़ पता चली है जो सुनकर बहुत ही दुख हुआ है। मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है इस न्यूज़ पर, लेकिन मैं जब मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया तभी मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। मुझे ये न्यूज़ 2-3 दिन पहले पता चल गई थी, पर मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। पर आज मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया है तब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। राजीव भाई को ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे, यूट्यूब पर उनके कई सारे चैनल थे। एक उनका राजीव भाई का जो चैनल है वो है द रॉट करके, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और उनकी जो वाइफ हैं उनका चैनल है स्नैपी गर्ल के नाम से, और भी उनके एक दो चैनल हैं। और उनके में सारे वीडियो वगैरह अब तो खैर इतना टाइम नहीं मिलता है यूट्यूब की वजह से, लेकिन पहले मैं ज़्यादातर उनके सारे वीडियो देखती थी। और बहुत अच्छे लोग हैं वो, इतनी अच्छी फैमिली है कि मतलब भगवान ऐसी ये लोगों के साथ क्यों ऐसा करते हैं कुछ समझ नहीं आता है। उनके ऊपर इतना मतलब दुख पे दुख भगवान दिए जा रहे हैं जो हम लोगों से नहीं सहन हो रहा है, तो समझो उनकी फैमिली इस चीज़ को कैसे बर्दाश्त कर रही होगी। जो सपना सिस्टर हैं उनके जो पहले हस्बैंड थे उनकी कोरोना में डेथ हो गई थी, और उस समय उनके जो देवर थे राजवीर जी उन्होंने उनका बहुत साथ दिया और बहुत उनका ख्याल रखा। तो फिर फैमिली के रजाबंदी से उन दोनों की शादी हो गई, बिल्कुल सादा सिंपल तरीके से शादी दोनों की हो गई। और शादी हुए 1-1.5 साल ही हुआ होगा। उसके बाद अभी उनकी जो बड़े वाले भैया थे उनसे जब मतलब उनकी एक बेटी थी, भैया शायद एक्सपायर हो गए थे उसके बाद ही वो बेटी हुई थी। और उसके बाद अभी 1-1.5 साल पहले राजीव भैया से इनकी शादी हो गई, और अभी उनकी राजवीर भैया से एक बेटी है जिसका अभी मुश्किल से 3-4 महीने की होगी। और उसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया है जो मतलब बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते कि ये भगवान ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया है। मैं तो मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा सुन के, अंदर से फीलिंग्स आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि क्या मेरे मतलब सुनी, जब से न्यूज़ सुनी है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। उनको राजवीर भैया अभी सपना सिस्टर अपने मायके गई थी 15 दिन के लिए, और राजीव भैया उनको छोड़ के चले आए थे। और अभी पता चला है कि 3 तारीख को उनका एक्सीडेंट हो गया है और उसमें उनकी डेथ हो गई है। समझ लो इतनी बड़ी भगवान ने उनके घर में फिर से एक ट्रेजेडी कर दी है। अभी एक भाई का जो बड़ा बेटा गया था उसका दुख उनका परिवार नहीं भूला था, और तब तक उनका जो अब ये इकलौता बेटा बचा था राजीव भैया वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो समझो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। और वो उनका एक्सीडेंट मेरठ साइड में सुना जा रहा हुआ है, वो रोड के किनारे अपनी बाइक लगा कर खड़े थे और पीछे से किसी ने टक्कर मार दी, उसी में उनकी डेथ हो गई है। तो अब आप लोग समझ सकते होंगे कि ऐसे परिवार पे इस समय क्या बीत रही है। सपना सिस्टर का तो इस समय बहुत ही मतलब वो मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं। ऐसे परिवार के लिए उनकी माँ उनके पापा उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। पहले अभी 5-6 महीने पहले उनके बाबा तो एक्सपायर हो गए हैं, उनके सामने उनका बड़ा नाती जा चुका था बाबा का, और भी 5-6 महीने पहले बाबा की भी डेथ हो गई थी। और अब ये राजवीर भैया के साथ ऐसा हो गया है। भगवान राजवीर भैया की आत्मा को शांति देना, और उनको बारंबार सत्सत नमन है, और उनकी फैमिली को इतनी शक्ति देना कि वो इस दुख को बर्दाश्त कर सकें। और दोस्तों सभी लोग प्रार्थना करना उनकी फैमिली के लिए कि भगवान उनकी फैमिली को इतनी शक्ति दे कि वो इतने बड़े दुख को सहन कर सकें, और सपना सिस्टर को इतनी हिम्मत दें
कि वो आगे अपनी बच्चियों की देखभाल कर सके। उनकी दो बेटियां भी हैं, एक पहले पति से और एक ये राजवीर भैया से, तो उनकी दो बेटी हैं छोटी छोटी। तो प्लीज़ सब लोग सपना सिस्टर का सपोर्ट करना, जब वो कम बैक होके यूट्यूब पे आए तो सब लोग उनको सपोर्ट करना, उनके वीडियो को शेयर करना। मेरे मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही थी इस चीज़ को जान के, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो सब लोग प्लीज़ राजवीर भैया के लिए प्रार्थना करना, उनको भगवान की आत्मा को शांति दे।